हेलो बच्चों, एसएलपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मात्रा। इससे पहले हम स्वर वर्ण पढ़ चुके थे, जिसमें स्वर के तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, वो हम पढ़ चुके थे। तो आज हम मात्रा जानेंगे। और मात्रा किसकी होती है बच्चों? मात्रा किस वर्ण की होती है? तो मात्रा स्वरों की होती है। मात्रा किसकी होती है? स्वरों की होती है। और उसमें सिर्फ एक ही ऐसा स्वर है अ, जिसकी मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाद बाकी सभी की मात्राएं होती है। तो मात्रा किसकी होती है? तो मात्रा स्वरों की होती है, जो कि व्यंजन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो मात्रा की परिभाषा को हम जानेंगे। ये मात्रा की परिभाषा हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिए। मात्रा, स्वर को व्यंजन के साथ लगाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। एक बार फिर मैं दोहरा रही हूँ, स्वर को व्यंजन के साथ लगाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। अब आइए और स्वर और उसकी मात्रा को हम लोग जानेंगे। यहाँ स्वर, ये है स्वर और ये है मात्रा। आप लोग नोट करेंगे, ये अ, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती है। अब आगे देखिए, यहां पे आ, ये भी स्वर है आ, इसकी मात्रा का चिन्ह क्या है? ये ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे। ये हुआ हर्ष ई, क्या है? हर्ष ई, इसका चिन्ह ऐसे। ये हुआ दीर्घ ई, इसका चिन्ह ऐसे। ये हुआ हर्षऊ, हर्षऊ का इसका चिन्ह ऐसे। ये हुआ दुर्गो, दुर्गो का चिन्ह ऐसे। ये हुआ री, री का चिन्ह ऐसे। अब यहां देखेंगे, ये हुआ ए, ए का चिन्ह ऐसे। ये हुआ ऐ, ऐ का चिन्ह ऐसे। ये हुआ ओ का चिन्ह ऐसे। ये हुआ ओ का चिन्ह ऐसे। ये हुआ अनुस्वार, अनुस्वार ये इसका चिन्ह हुआ ऐसे। ये हुआ विसर्ग, इसका चिन्ह ऐसे। तो यहाँ पे स्वर और इसकी मात्रा को हम अभी लिखे हैं। तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आ का चिन्ह आप देख लीजिए, हर्षई का देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक औ तक इसकी मात्रा होती है। अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवा है, ये क्या है? अयोगवा है। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवा है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसको क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। और विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण जो है शब्द के आगे ह में होता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः, ये विसर्ग का उच्चारण जो है ह की तरह होता है। जैसे आप बोलेंगे अतः, पुनः, प्रातः, ये उच्चारण ह में कहलाता है। तो अभी हम जाने स्वर और उसकी मात्रा को। मात्रा आप समझ गए हैं। अब स्वर के बाद हम लोग चलेंगे व्यंजन की ओर। व्यंजन बच्चों हम पिछली कक्षा में बताए थे, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप लोग लिखे भी होंगे और उसको याद भी किए होंगे। व्यंजन को भी तीन प्रकार से बांटा गया है, व्यंजन को भी तीन भाग में बांटा गया है, जिसका पहला नाम है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को जानेंगे। स्पर्श व्यंजन देखिए बच्चों, व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। क ख से लेके य र ल व ताल स मूर्धन स दंत स ह, यहाँ तक जो है ये व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है? 33। यहाँ पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में वो व्यंजन आते हैं जिसको जो है उच्चारण करने में कंठ, होंठ और जीभा का मतलब स्थान होता है, जीभा से इसको स्पर्श करके बोला जाता है। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। तो अभी हम स्पर्श व्यंजन को जानेंगे, 25 व्यंजन में कौन कौन आते हैं उसको हम लोग जानेंगे। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये 25 होते हैं, कवर्ग से पवर्ग। अब कवर्ग और पवर्ग को जानेंगे कैसे क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। आप वर्णमाला को लिखते हैं उसको वर्ग के अनुसार लिखा जाता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तब अंतःस्थ, तब उष्म, ये सब मिलाकर क्या हो जाता है? वर्णमाला तैयार होता है। उसमें रह क्या जाता है? एक संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त व्यंजन। तो कवर्ग से लेकर पवर्ग तक ये हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन, जिसका उच्चारण अनुस्थान क्या होता है? होंठ,
कंठ, जिह्वा, ये उसका उच्चारण स्थान है। जैसे कवर, कवर जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कवर, कवर कवर में क्या आता है, क से क, ख, ग, घ, अंग, ये हो गया कवर। इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ठीक उसी तरह चवर्ग आता है, उसका उच्चारण स्थान तालु है। तवर्ग आता है, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तवर्ग आता है, उसका उच्चारण स्थान दांत है। और पवर्ग आता है, उसका उच्चारण स्थान होंठ है। तो हम समझ गए हैं कवर्ग से लेकर पवर्ग तक उसका अलग अलग उच्चारण स्थान है। और ये 25 होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब आइए दूसरा में है अंतःस्थ व्यंजन। क्या है दूसरा, अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वो हो गया अंतःस्थ व्यंजन। इसका उच्चारण जो है मध्य व्यंजन के मध्य में होता है। ये चार है, य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, चार होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन चार होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन, य, र, ल, व, ये हो गया अंतःस्थ व्यंजन। ये चार होते हैं, य, र, ल, व। अब तीसरा है उष्म व्यंजन। तीसरा क्या है, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसका उच्चारण हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से उष्मा निकलती, यानी वो हवा से रगड़ा है, मुख से जो है बोलते हैं तो मुख से उष्मा निकलती, मुख से गर्माहट निकलती है, ये हुआ उष्म व्यंजन। ये चार होते हैं, तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। उष्म व्यंजन कितने होते हैं, चार। कितने होते हैं, चार। देखिए यहाँ पे उष्म व्यंजन, व्यंजन चार होते हैं, तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। ये हो गया चार उष्म व्यंजन। ये क्या हो गया, चार उष्म व्यंजन। अभी हम लोग जाने व्यंजन के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये हम लोग जान गए। अब आए आइए संयुक्त व्यंजन को जानते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते, वे व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से आगे बनता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो दो भिन्न अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर एक साथ बनता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी चार होते हैं, ये भी चार होते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन को हम लोग जानेंगे। आखिर संयुक्त व्यंजन है क्या, व्यंजन ये व्यंजन जो है दो वर्णों के मेल से बनता है। जैसे है अक्ष, ये क्या है, अक्ष, ये किन किन वर्णों के मेल से बना है, क से और स से, क से और ये सौ मूर्धन सब मिलकर क्या बनता है, अक्ष, क्या बनता है, अक्ष। अब आइए त्र, त्र जो है त और र से मिलकर बनता है त्र, ज्ञान, ज और य से मिल, य नहीं, न से मिलकर बनता है ज्ञान। अब है स्र, स और र से मिलकर बनता है स्र। ये अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये दो व्यंजनों के मेल से बनता है। अक्ष जो है क से और स से, ये हलन्त का मतलब होता है, इससे स्वर अलग है। हलन्त का मतलब क्या होता है, इससे स्वर को जो है हटाया गया है, इसमें स्वर नहीं है। क हलन्त प्लस स बनके मिलकर क्या बनता है, अक्ष। त हलन्त प्लस र मिलकर क्या बनता है, त्र। और ज हलन्त प्लस न मिलकर क्या बनता है, ज्ञान। और स्र हलन्त और र मिलकर क्या बनता है, स्र। संयुक्त व्यंजन को हम लोग जान चुके हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या जानेंगे, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। जब किसी स्वर रहित व्यंजन का उसी स्वर युक्त व्यंजन के साथ मेल होकर बनता है उसे कहते हैं द्वित व्यंजन। इसका उदाहरण है कच्चा, बच्चा, पक्का, ये सब जो है द्वित व्यंजन का उदाहरण है। तो हम अभी जान लिए हैं व्यंजन और उसके प्रकार। व्यंजन और उसके प्रकार में स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन को हम लोग जान चुके हैं। तो हमारा ये अध्याय जो है समाप्त हो गया है। अब इसका जो है प्रश्न उत्तर है, इसमें प्रश्न उत्तर है पेज नंबर 11 और 12 और 13। ये जो है आप लोग बुक से देख के बनाएंगे और इसको कम्प्लीट करेंगे, तभी ये हमारा व्यंजन जो है वर्ण विचार वो समाप्त हो गया है।